तरफ मेरे दादाजी सोते थे, एक तरफ मेरी दादी सोती थी, तो मैं उन्हीं के पास में सोता था, तो वो गीत वगैरह गाती थी तो मैं सुनता था, तो वो वहाँ से मेरा लहजा शुरू हुआ। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं पहुंचा हूं एक सिंगर के पास, तो करवाते हैं उनसे कुछ मुलाकात। ना क्या खोया है और क्या पाया है इसके बारे में हम कुछ आपको दिखाएंगे। अभी तो चलते हैं। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? जय श्याला। मेरा नाम पंकज कुमार गौतम। मैंने सुना है कि आप सिंगर हैं। सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन जो गाने बजाने का जो कार्य करते हैं उन्हें सिंगर ही बोलते हैं, तो मैंने एक नाम दे लिया है। ये मेरे माता पिता का सपना था, ये मेरे पिताजी, जब मैं बहुत छोटा था तो होली महोत्सव जब भी आता था तो वो संगीत का कार्य करवाते थे। तो जब मैं थोड़ा सा कक्षा 5वीं और 6वीं में पहुंचा तो मेरे से गांव वाले बोलते थे कि तेरे पापा भजन संध्या वगैरह करवाते थे, तू भी, तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तू भी गाना बजाना सीख। अच्छा, तो ये बताइए आप कि आपने ये गाना बजाना कहाँ से सीखा है? ये मेरी दादी है, जो उसकी एक आदत है कि वो जब वो सोती है तो वो जब तक भजन नहीं गा लेती तब तक उसको नींद नहीं आती है। तो मैं जब छोटा था तो उसके पास में सोता था, एक तरफ मेरे दादाजी सोते थे, एक तरफ मेरी दादी सोती थी, तो मैं उन्हीं के पास में सोता था, तो वो गीत वगैरह गाती थी तो मैं सुनता था, तो वो वहाँ से मेरा लहजा शुरू हुआ। अच्छा, तो आपने जो जिक्र किया है इसमें, तो दादी जी का, दादाजी का जिक्र किया है, तो आपने माता पिता का जिक्र क्यों नहीं किया? ये माता मेरे पिता का सपना था जो मैं आज भी पूरा कर रहा हूँ, और मेरी माँ तो माँ ने एक ही आशीर्वाद दे दिया था कि तेरे जुबान पे हमेशा माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे, ये दुआ करती हूँ। लेकिन फिर उसको क्या कोरोना, ये पैरालिसिस हो गया, तो वो उसकी भी फिर सेवा की 4-5 साल, तो वो एक्सपायर हो गए। पापा 2009 में एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी भी सेवा तो की। मतलब मम्मी पापा अभी नहीं है, मतलब? मम्मी पापा नहीं है दोनों मेरे। अच्छा, आपका जो बचपन का लाइफ था वो कैसा था? बचपन का लाइफ मेरा बड़ा ही हसीन समझो, क्योंकि मैंने बचपन में कभी गिल्ली डंडा ये नहीं खेले, मैंने हमेशा मेरे माता पिता की सेवा की, दादाजी की सेवा की, मैंने सेवा ही की और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि अब आगे क्या करना चाहते हो आप? आगे मेरा बस ये कि मैं एक सिंगिंग के रास्ते अपना वो फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, मतलब सिंगर बनना चाहते हैं? हाँ, जितनी कलाकार बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं? मुझे बस ये है कि मेरा एक सपना था, मैंने मेरे दादाजी से एक ये वचन दिया था, तो मेरे दादाजी ने बोला था कि उड़ान उड़नी है तो इतनी उड़ना जहाँ तक पहुँच सको। अच्छा, आप सिंगर हैं तो बिना वाद्य यंत्र के भी आप गा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, नो बिल्कुल, बिना हारमोनियम अच्छा, बिना तो तबला से जैसी एक आवाज रहेगी। एक भजन या सॉन्ग। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, बनवारी गिरिधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। जय जय श्री राधे अच्छा, बोलो। ये बताइए आप कि जैसे आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं? मैं राजस्थान के कोटा संभाग के 12 डिस्ट्रिक्ट से करता हूँ। तो अपने यहाँ पे जो संगीत है वो राजस्थान में ही है संगीत? वैसे तो राजस्थान में, लेकिन गांव की प्रतिभा में क्या थोड़ा सा, मतलब एक जो गांव की जो मिट्टी के जो गायक होते हैं उनकी आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं उन्हीं का संगीत गाना पसंद करता हूँ। पहले अच्छा, ये बताइए कि पढ़ अब लीजिए। जैसे इसके बाद में आप क्या करना चाहेंगे?
बस इसके बाद ये है कि मैंने सब कुछ सेवा कर ली, माता पिता की सेवा कर ली, सब कुछ कर लिया। अब तो मेरा ये है कि मैं बस बाबा श्याम की भक्ति करना चाहता हूँ, सभी देवी देवतियों का गुणगान करना चाहता हूँ और अपने मनपसंद सिंगरों के साथ में मतलब देखकर अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ, राजस्थान के टॉप सिंगरों। अच्छा आप एक बात बताइए, जैसे अभी वीडियो को करेंगे तो आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देना चाहता हूँ सर कि गांव में प्रतिभा होती है, ढूंढने की कमा कभी होना चाहिए, ढूंढने की जरूरत है। हाँ। गांव में प्रतिभा छुपी हुई है, बाकी ढूंढने की जरूरत है। मैंने बहुत सी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया। बस अब ये कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से यदि सुन रहे हो तो बस ये कि मेरा एक सपना है कि मुझे भी एक, जैसे कि मैंने सुना आकृति जी मिश्रा में उनको बहुत सुनता हूँ, जयपुर से सुरभि जी चतुर्वेदी में उनको बहुत सुनता हूँ, और मैंने शुरुआत जो की थी वो इंटरनेशनल सिंगर बाहुबली 2 के जो थे कैलाश जी खेर, मैंने की